नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रेन के बारे में जो कि भागलपुर से सहरसा के बीच परिचालन किया जाता है, जिसका परिचालन खतरे में है। और यह ट्रेन है भागलपुर सहरसा ट्रेन, जो कि भागलपुर समेत सहरसा वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है, जो कि भागलपुर से सहरसा को रेल मार्ग से जोड़ती है। यह ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन होता है वाया मुंगेर गंगा पुल होकर। आखिर यह हम क्यों बोल रहे हैं कि इस ट्रेन का परिचालन खतरे में है, इसको जानने के लिए यह लेटेस्ट वीडियो पूरा अवश्य देखें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस ट्रेन का परिचालन सहरसा से 7:40 पर सुबह में होता है, और यह ट्रेन यहाँ से खुलने के बाद कई कई स्टेशन होते हुए मुंगेर पुल पार करके मुंगेर स्टेशन को आती है। फिर यहाँ से खुलने के बाद जमालपुर मुंगेर लिंक होते हुए जमालपुर ना जाकर भागलपुर रेल लाइन पर गुजरते हुए सुल्तानगंज स्टेशन पर रुकती है। इसका ठहराव सुल्तानगंज के बाद सीधा भागलपुर होता है। भागलपुर सहरसा ट्रेन का परिचालन एक ट्रायल के रूप में किया जा रहा है, और यह जान के आपको हैरानी होगी कि रेलवे ने इस ट्रेन का परिचालन 25 जनवरी तक ही निर्धारित किया है। अभी जो भी ट्रेन का परिचालन होता है भागलपुर से सहरसा के बीच, वह एक डेम्यू ट्रेन है जिसका परिचालन इस रेलखंड पर होता है। जैसे जैसे 25 जनवरी नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सफर करने वाले यात्रियों में इसकी चर्चा आम हो गई है कि क्या इस ट्रेन का परिचालन आगे विस्तार किया जाएगा या सिर्फ 25 जनवरी तक ही यह ट्रेन चलेगी। टिकट या अन्य जानकारी की बात करें तो यह रेलवे बोर्ड ही जाने, लेकिन यह ट्रेन सहरसा से खचाखच भरी हुई आती है, और वापसी में भी भागलपुर से वही हाल रहता है, जो कि स्टूडेंट व्यापारियों और आम लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन बन गई है, जो काम पढ़ाई और रोजगार के सिलसिले में आते जाते हैं। रेलवे ने इस ट्रेन का परिचालन सिर्फ 90 दिन तक ही तय किया है, जो कि अब 25 जनवरी को अंत होने जा रहा है। हालांकि अभी तक भागलपुर से सहरसा ट्रेन के ऊपर कोई भी ऐसी निर्णय या नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं आया है जिसको लेकर परिचालन बंद हो। आप लोगों को बता दें कि रेलवे ने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है इस ट्रेन के ऊपर, और यह ट्रेन का विस्तार आगे भी किया जा सकता है। इस ट्रेन का विस्तार आखिर 25 जनवरी तक होगा या 25 जनवरी के बाद भी इस ट्रेन का परिचालन होगा, यह एक देखने वाली बात है। अगर इस ट्रेन का परिचालन तय तिथि के अनुसार बंद हो जाता है तो लोगों या यात्रियों के लिए मात्र एक सड़क मार्ग ही बचता है, जिससे समय के साथ साथ किराया भी ज्यादा देना पड़ता है, और जिसमें परेशानी का भी सामना करना पड़ जाता है, जो कि ज्यादातर विद्यार्थी के लिए सुगम मार्ग नहीं है। हालांकि रेलवे अभी तक पूरा डाटा रेडी नहीं किया है। लोगों को उम्मीद है कि इस ट्रेन का परिचालन आगे भी विस्तार किया जाएगा, और लोगों को और हमें भी उम्मीद है कि रेलवे सहित भागलपुर और सहरसा रेलखंड इस ट्रेन के बारे में सही फैसला ले, जो कि आम लोगों के हित में हो। आगे जो भी इस ट्रेन के ऊपर फैसला आएगा, हम इस चैनल पर वीडियो डाल देंगे, और हम आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो अपडेट लाते रहते हैं, जिससे नए नए ट्रेन का परिचालन आप तक जानकारी के सहित मिल सके, और रेलवे तक आम लोगों को मांग रखते हुए इसके लिए आप लोग भी एक एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा आवाज रेलवे बोर्ड तक पहुंच सके। तो चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और शेयर करना ना भूलें।